मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 में होना है। तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव और प्रभारी हापुड़ चौधरी शमीम अय्यूब। हम इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि कांग्रेस की क्या तैयारी है, किस स्तर पर है और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाना चाहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मिलर टाइम्स में। शुक्रिया। ये बताइए कि तमाम पार्टियां अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं, मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, आपकी क्या तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारी जो तैयारी है, कांग्रेस पार्टी इस वक्त सबसे बड़े पैमाने पर हम संगठन को फेर बदल करके उसको मजबूत करने के लिए गांव स्तर तक हम लोग जा रहे हैं। हमने ब्लॉक स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे और अब हमारा ग्राम पंचायत स्तर पे संगठन तैयार होने के लिए बिल्कुल जा रहा है, जिसमें मुद्दों की अगर बात की जाए तो इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा अपराध का है, सबसे बड़ा मुद्दा नफरत को फैलाने का है, सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का उत्पीड़न का है, सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश के अंदर झूठ का है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार चल रही है वो पूरी की पूरी झूठ पर आधारित है। इसी को लेकर आपने बताया कि छोटे छोटे स्तर पर हम तैयारी कर रहे हैं। अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में और आपकी पार्टी की बहुत बुरी तरीके से शिकस्त हुई। वो पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक वहां पर उसकी सरकार रही, उसका राज रहा, उसके बावजूद भी आज कांग्रेस की ये हो गई, आज कांग्रेस की हालत ये है कि जिला पंचायत भी उसके नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए, जिला पंचायत की अगर बात करें, जहां तक आपने लंबे समय की बात कही सत्ता में रहने की, तो इसका दूसरा पहलू भी है कि हमें एक लंबा वक्त हो गया सत्ता से बाहर हुए, लगभग 31 साल से ज्यादा हो गए। तो उस सूरत में हम वो 31 साल के दरमियान में हम पहली मर्तबा अब आकर जिला पंचायत का चुनाव हमने पार्टी के स्तर से, पार्टी के लेवल से लड़ा है, जिसमें आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा हमारा प्रदर्शन रहा, वोट ऑफ परसेंटेज बहुत अच्छा रहा और 268 हमारे जिला पंचायत के सदस्य जीते हैं प्रदेश के अंदर। लेकिन आपका जो यूपी अभी अध्यक्ष हुआ, जिला पंचायत अध्यक्ष एक भी नहीं बन पाए, सारे के सारे रायबरेली में हमारा अध्यक्ष बना है, लेकिन जहां से आपकी सोनिया गांधी अध्यक्ष है वहां से भी आपके जिला अध्यक्ष हार गए, तो क्या वजह है कि क्या जनता आपकी बातों को सुन नहीं रही है लगातार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, उसके बावजूद भी जनता ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल क्रिएट किया है, जो एक धर्म और राष्ट्रवाद, जो कि ये दोनों शब्दों के अगर इसके असल बैकग्राउंड में जाएं तो इन दोनों शब्दों से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आज़ादी के वक्त में जब लड़ाई लड़ रही थी तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, जबकि इनके, जिनको ये लोग मानते हैं सावरकर को, वो माफ़ी मांगकर अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ों की मुखबरी करके, आज़ादी के दीवानों की मुखबरी करके उनको फंसाने का काम कर रहे थे। रही बात आज के वक्त में, इन लोगों ने एक नफरत का जहर फैलाकर, जो कि खास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए एक नफरत का जहर फैला दिया है, उसकी वजह कर ये नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। आप लोगों ने लगातार ये आरोप लगाते रहे कि माननीय योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दरमियान बनती नहीं है, लेकिन अब वो तस्वीर भी सामने आ गई कि योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम के घर भी शादी में गए और उनके दरमियान भी अब लग रहा है कि दूरियां खत्म हो गई हैं। आप लोग लगातार ये आरोप लगाते रहे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में भी नहीं बन रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे जनता के बीच जाएगी और जनता से कैसे वोट हासिल करेगी? और उसके बीच ही आपके पार्टी के बड़े लीडर आपके पार्टी से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अभी खबर आ रही है कि और भी बहुत सारे लोग आपकी पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में जाएंगे, तो फिर क्या लगता है कि पार्टी, जनता का भरोसा नहीं रहा आप पर कि या कि लीडर समझ रहे हैं कि हमें वोट नहीं मिलेगा इसलिए हम दूसरी पार्टी में चले जाएं? देखिए, जहां तक सवाल है, अभी आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की नहीं बनती, उसका बिल्कुल साफ, एकदम आईने की तरह उसकी तस्वीर साफ है, उनकी वाकई नहीं बनती है। अगर बनती
और योगी आदित्यनाथ पार्टी के फोरम पे सही उतरते, खरे उतरते, तो गुजरात से एक रिटायर्ड अधिकारी को यहाँ पर ना भेजा जाता। और उसका नतीजा ये हुआ, आपके सामने आपने खुद देखा कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने नहीं बनने दिया, उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नजरअंदाज करके सिर्फ वो एक एमएलसी बन के रह गए और उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने नहीं बनने दिया। दूसरी चीज, जहां तक सवाल है, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं कि उनकी पार्टी में इनमें किसमें बन रही है किसमें नहीं बन रही है। उन्होंने जो वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, उन्होंने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, उन्होंने महंगाई कम करने की बात की थी, तमाम इस तरह के मुद्दे और इस तरह के वादे आपने भी देखा होगा कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गए वो वादे? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सबसे ज्यादा बलात्कारियों का समर्थन करने वाली और सबसे ज्यादा बलात्कार में सम्मिलित रहने वाले इस भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे साक्षी महाराज हो, और इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। इन्होंने एनआरसी और सीए के नाम पर दंगे भड़काने की कोशिश की, लोगों को प्रताड़ित करने की बात की। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी हर जगह इनकी आंख में आग डालकर, योगी और मोदी की आंख में आग डालकर, इनकी पार्टी के सामने खड़े होकर, इनकी सरकार के सामने खड़े होकर, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके विरोध में तो रहता क्या है। क्या आप और क्या आप किसी पार्ट बड़ी पार्टी से आप लोग गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में उतरेंगे या कि अपने स्तर पर अलग ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तक जो हमारी प्रभारी महासचिव आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी का निर्देश है, वो साफ बिल्कुल एकदम है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और हमारे पास चुनाव लड़ने की ताकत है, हमारे पास उस तरीके के लोग भी हैं। हम अपने सारे बड़े नेताओं को अब की बार चुनाव के मैदान में उतारेंगे, जो हमारे पूर्व पार्लियामेंट मेंबर्स हैं उनको भी हम चुनाव में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारे प्रदेश के अंदर जोन वाइज एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, जिसमें 6 और 7 जुलाई को आपके दिल्ली के करीब में गाजियाबाद के अंदर है, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इन सब जगहों पर कैंप हमारे हो चुके हैं। ये सीधे तौर पर आप लोग अपने स्तर पर अकेले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, हम अकेले अपने स्तर पर तैयार हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी से लोग जा रहे हैं। जितिन प्रसाद जी, जहां तक सवाल किया जाए, चाहे जितिन प्रसाद जी हों, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, इन लोगों को पार्टी ने क्या नहीं दिया? इन लोगों को एक नाम दिया, एक पहचान दी, इन्हें सांसद बनाया कम उम्र में, इन्हें कम उम्र में ही कैबिनेट में मंत्री बनाया। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग जा रहे हो अपने स्वार्थ के लिए, कल जिस मुंह से आप उनको बुरा कहते थे, आज आपका जमीर कैसे गवारा कर रहा है कि कल आप उनको कातिल और क्या क्या उनको कहते थे, आज उसी मुंह से उनकी तारीफ कर रहे हो। लेकिन क्या लगता नहीं है कि अगर आप लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में तो वोटों का बंटवारा हो जाएगा और जिसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं उसकी फिर से सरकार बन जाएगी? देखिए, जहां तक सवाल रोकने की बात अगर की जाए, तो क्या सारी जिम्मेदारी हमारी बनती है उनको रोकने की? क्या हमसे, अगर मान लीजिए किसी को बात करनी है, तो हमारे हाई कमान से बात क्यों नहीं करते? क्यों इस हमें क्यों झुकना पड़ता है हर बार? हम लोग तो कोशिश करते। देखिए आप एग्जाम्पल, महाराष्ट्र के अंदर हमने शिवसेना के अधीन सरकार बनवा दी इनको रोकने के लिए। हम हर जगह कंप्रोमाइज करते हैं, इन फिरकापरस्त ताकतों को रोकने के लिए, देश विरोधी ताकतों को रोकने के लिए हम हर जगह झुकने का काम करते हैं। हमारा काम जनता की सेवा करना। देखिए, पिछली बार कोरोना काल में जब लॉकडाउन इन्होंने लगाया, तो तमाम बाहरी मुसाफिरों की मदद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोग दिखाई दिए होंगे। 1,000 बसों का जब प्रबंध जब जब किया। यहाँ पे एक सवाल करूंगा कि जब आप लोग जी तमाम स्तर पर जनता की मदद कर रहे हैं उसके बावजूद भी जनता आप लोग की तरफ क्यों नहीं देख रही है, आप वोट क्यों नहीं दे रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, हमारे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का साफ कहना है कि जब आप जन सेवा करें और लोगों की खिदमत के हिसाब से जाएं, तो उससे वोट की या उससे बदले की उम्मीद ना करें, आप सेवा करते जाएं, सेवा का फल ऊपर वाला देने वाला है। हमारे नेता, हमारी पार्टी की गाइडलाइन है सीधी सीधी कि आप सेवा करें, खिदमत करें, गरीबों की, कमजोरों की, उनको राशन से मदद करें, पैसे से मदद करें, दवाइयों से मदद करें। अभी प्रियंका गांधी जी ने पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना किट
जिसमें दवाइयां हैं, और वो उसका मैं सैंपल भी एक दिखा सकता हूँ अभी आपको, जो है उन्होंने बांटी पूरे प्रदेश के अंदर, बट रहा है पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधानों को, जिला पंचायत मेंबर्स को, बीडीसी मेंबर्स को, सबको उन्होंने एक बधाई संदेश भेजा है। वो एक हमारा पूरा एक मिशन है, पूरे मिशन के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन जनता को अगर लगता है कि हमसे बेहतर वो कर रहे हैं, अगर जनता को यही सब पसंद है, तो इसमें आप और हम कोई कुछ नहीं कर सकते। तमाम पार्टियां माइनॉरिटीज का वोट लेने के लिए तैयारियां कर रही हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम सम्मेलन करने जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है माइनॉरिटी का वोट लेने के लिए, खासतौर पर मुस्लिम का वोट लेने के लिए, क्या उसकी तैयारी है? देखिए अभी मैं आपको बताऊं, अभी ये कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक आवाज उठाई कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा जुल्म अगर हुआ है तो कुरैशी समाज पर हुआ है। अगर बुनकरों की बात करें तो आवाज उठाने वाली कांग्रेस पार्टी थी, बुनकरों के लिए आवाज उठाई हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने, सदन के अंदर आवाज उठाई, उनको एक समान रेट पे बिजली देने की बात की, उनको सब्सिडी देने की बात की। लेकिन जहां तक सवाल करें अगर समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी की बात करें, तो बहुजन समाज पार्टी तो पहले ही कह चुकी है कि हम किसी, मतलब समाजवादी पार्टी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि हम इसको हराने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। और उन्होंने पहले भी, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई गुरेज है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में, वो पहले भी गुजरात के अंदर चुनाव लड़ाने के लिए गई हैं, उससे पहले भी वो 2 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं। तीसरी बात, सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की हमदर्द बनने के लिए समाजवादी पार्टी रहती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मालूम करना चाहता हूं कि बताएं वो कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने किया तो जहां कभी मैंने आपसे जिक्र किया कुरैशी समाज के लिए, कुरैशी समाज के जो छोटे छोटे अहाते चलते थे, उनको भारत समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार ने बंद करने का काम किया। दूसरी चीज, आज वो बात करते हैं मुस्लिम सम्मेलन करने की। अभी अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि वो प्रदेश के अंदर हर जिले में मुस्लिम सम्मेलन करेंगे। क्यों यादव सम्मेलन क्यों नहीं कर रहे वो? क्यों किसी मुस्लिम को यादव बाहुल्य सीट पर जिता के नहीं भेजते? यादव को तो भेज देंगे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, क्योंकि मुसलमान को इस्तेमाल करना है। लेकिन क्या शफीकुर्रहमान बर्क साहब को उन्होंने इटावा भेजा चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए? या कमाल अख्तर साहब को उन्होंने इटावा या मैनपुरी या कन्नौज लड़ाने के लिए भेजा यादव बाहुल्य क्षेत्र में? मुसलमानों का बदायूं का क्षेत्र तो वहां पे धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे, संबल क्षेत्र मुसलमानों का तो वहां पे राम गोपाल यादव लड़ेंगे। तो सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, बाकी इनके पास कोई एजेंडा, कोई फॉर्मेट नहीं है। जा और दूसरी चीज, मैं प्रदेश की बात करूं, एनआरसी और सीए के जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो आदरणीय हमारी नेता, हमारी बहन प्रियंका गांधी, इस प्रदेश के अंदर जितने लोग भी मुस्लिम समाज के बच्चे हमारे शहीद हुए, चाहे बिजनौर की बात करें, चाहे मेरठ की बात करें, चाहे आजमगढ़ की बात करें, चाहे बात करें हम लखनऊ की, तो आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी उस परिवार के साथ दुख दर्द को बांटने के लिए पहुंची हैं उनके घर पे। मैं खुद साथ में था उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में, जिस वक्त वो लखनऊ मिलने के लिए जा रही थी, तो 7 किलोमीटर पैदल चली थी। सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं करता मैं, हमारी नेता बहन प्रियंका गांधी जी, आप याद करिए हाथरस का कांड, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन कितना लड़े थे उस दलित बच्ची के लिए, कितनी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, और उस दलित बच्ची को इंसाफ के लिए उसके घर तक वो गए थे। उनके साथ बदतमीजी भी हुई, उनके साथ एक होमगार्ड और एक पुलिस वाले ने उनके साथ उनका गिरेबान पकड़ने का भी काम किया। लेकिन अब ये जनता के ऊपर फैसला कि जनता को अगर इसी तरीके से रहना है, उसको सेवा पसंद नहीं है, या किसानों के कर्ज माफ करने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, 76,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ढिंढोरा नहीं पीटा। उनको लगा कि किसान परेशान है, किसान के कर्जे को माफ करना चाहिए, तो उन्होंने किसान का कर्जा बिना शोर मचाए माफ कर दिया। और अरे बहुत शुक्रिया कि आप, साथ के साथ उन्होंने एक शर्त और भी रख दी कि आप किसान का कर्जा भी माफ करेंगे और उसको दोबारा कर्जा देंगे भी, ताकि किसान को ये ना लगे कि उसको डिफाल्टर करने के बाद में उस किसान को कर्जा ना मिले।
चलिए, ये आपका बहुत हमारी शुक्रिया कि पॉलिसी है। आप हमारे साथ जुड़े और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, किस स्तर पर आपकी पार्टी तैयारी कर रही है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना चाहती है, उस पर आपने बातचीत की। और ये थे चौधरी शमीम अयूब साहब, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव और प्रभारी हापुड़ के हैं। इनसे बातचीत हुई और इन तमाम मुद्दों पर सवाल भी पूछा गया, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि किस स्तर पर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाना चाहती है। लेकिन उन्होंने कहा कि लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही हर चीजों पर, उसके बावजूद भी जनता का वोट नहीं मिल रहा है। तो इनको उम्मीद है कि इस बार जनता कांग्रेस को वोट देगी, जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति पर सक्रिय रहे हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे। शुक्रिया। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते।